नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। जहां एक और सरकारों द्वारा नदियों की साफ सफाई पर करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी दशा नहीं बदल रही, ऐसे में श्रमदान दल के कार्यकर्ता कड़कती ठंड में सुबह से ही बैतवा नदी की सफाई में लग जाते हैं। शासन प्रशासन का सहयोग न के बराबर ही देखा जा रहा है। जिस बेतवा नदी को माँ का दर्जा दिया गया है और पूजा अर्चना करने शहर के लोग पहुंचते हैं, वही बेतवा माँ की गोद में कचरा डालकर आते हैं और बेतवा नदी को गंदा करते हैं। श्रमदान दल द्वारा जो मेहनत की जा रही है उससे हजारों क्विंटल कचरा नदी के किनारे पर एकत्रित हो रहा है। नागरिकों द्वारा बेतवा नदी में धर्म के नाम पर कचरा विसर्जित किया जाता है, श्रमदान दल उसकी सफाई करके उसको बाहर निकालता है, लेकिन लोगों में जागरूकता दिखाई नहीं दे रही है। पिछले 3 सालों से ये कार्य चल रहा है। पहले शुरुआती दौर पर 1 या 2 लोगों ने जस्ट नहाने आए थे, तो नहाने के समय जब देखा उन्होंने कचरा साफ, गंदगी हो रही है, तो उसको उन्होंने साफ किया और ऐसे ही ये श्रमदान स्टार्ट हुआ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी युवा जागरूक भी हो रहे हैं। रही बात अब भी के प्रशासन का सहयोग समय समय से मिलता है, रेगुलर नहीं मिल रहा है, जिसके कारण ये गंदगी हो रही है। बाकी जो भी संत महात्मा लोग हैं, मैं उनसे आग्रह करूँगा कि वो अपनी कथाओं में कहें कि कचरा तो फैलाना है, लेकिन वो समय के अनुसार परिवर्तित हो गया है, क्योंकि पहले पन्नियाँ प्लास्टिक और नहीं चला करते थे, DAP और मिट्टी के होते थे या आटे के होते थे। तो मैं निवेदन करूँगा चैनल के माध्यम से कि आप मतलब सारी पीढ़ी को ये बताएं कि आप दिए तो जलाएं लेकिन आटे के, आप फूल तो डालें लेकिन नदी में ना डाल के कहीं और उनका उपयोग कर सकते हैं, खेतों में डाल दें, आप उसकी खाद बना लें, नदियों में ना डालें। ये मेरा करवत निवेदन है और सरकार से भी रमदान के साथ ये सफाई कर रहे हैं। मेरा पहली बार यहाँ आना तभी हुआ था जब मेरी दादी को यहाँ पे स्नान करना था और वो शायद कार्तिक का आखिरी दिन था, तो हम लोग नहाने आए थे विद पूरी फैमिली के साथ। तो हमने पहली बार आकाश भाई को यहाँ पे देखा कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। पहली बार ये समझ में आया था कि जो स्कूल में पढ़ाया गया कि जल ही जीवन है, उसका पूरा नाश हो गया इधर पे, जल जीवन तो दिख ही नहीं रहा था। और आज यहाँ पे बैतवा की हालत जो मेरे बचपन में, या मैं अभी इतना बड़ा भी नहीं हूँ, लेकिन जब मैं यहाँ पे अपने गुरु का विसर्जन करने आता हूँ झूलेलाल जयंती पे, तो हमारे लिए नहाने के लिए अलग ही पानी रहता है, या फिर किसी भी मुहूर्त पे गणपति हो या कुछ भी मुहूर्त हो। इस बार तो देख के आंखें खराब हो गई कि ये हो क्या गया एकदम से। और ये मेहनत जो पिछले इतने टाइम से आकाश भाई कर रहे हैं, हमें तो अभी जुड़े हुए इतना वक्त नहीं हुआ, मगर तीन साल से ज्यादा हो गए जिसको यहाँ पे काम करते हो, लेकिन फिर भी शायद लोगों में इतनी अकल नहीं आई है। हमने अभी भी देखा है, पिछले 1 महीने से मैं देख रहा हूँ, हम लोग यहाँ सफाई कर रहे होते हैं तब भी लोग आते हैं, यहाँ कचरा डाल के चले जाते हैं, उन्हें ये नहीं दिखता कि सामने वाला समय बेतवा नदी पर खड़े हैं और इसको शहर की जीवनदायिनी बोला जाता है। तो श्रमदान दल लगातार यहाँ 3 वर्ष से अधिक हो गए यहाँ पर श्रमदान दल द्वारा जो साफ सफाई की जाती है, लेकिन जिस प्रकार से बेतवा नदी को शहर की जीवनदायिनी माना जाता है, तो आज आप देख सकते हैं उसका जीवन संकट में है। आज यहाँ पर संक्रांति का त्यौहार आने वाला, लेकिन शायद है कोई यहाँ डुबकी लगा पाए, क्योंकि यहाँ पर पानी का जो जलस्तर है उसकी स्थिति ये बची है कि प्रशासन को बार बार मुनादी करना पड़ रही है शहर के अंदर अनावश्यक पानी न फैलाए। इसके साथ ही बेतवा को पूजने आते हैं, बेतवा को माँ मानते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अगर शहर के लोग जिस प्रकार यहाँ पर त्योहारों पर पूजन करने आते हैं, तो बेतवा की गोद में सबसे ज्यादा गंदगी भी वही करके जाते हैं। तो ये जागरूकता कब आएगी अपने आप में, ये बड़े ही शर्म की बात है कि शहर में एक और श्रमदान दल लगातार यहाँ पर साफ सफाई कर रहा है, प्रशासन सिर्फ खाना पूर्ति करता है। टाइम न्यूज के लिए गंजवासा से विजय रघुवंशी की रिपोर्ट। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें टाइम स्मार्ट टीवी ऐप।